नमस्ते मित्रों, मारो आजनो आ वीडियो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एप्लिकेशन द्वारा कई रीते आपणे विडियो कॉन्फरन्स सीआरसी मित्रों साथे अथवा तो आचार्य मित्रों साथे अथवा शिक्षकों साथे करी शकीए ते बाबतनो छे। तो चलो आपणे जोईए कई रीते एप्लिकेशन इंस्टॉल करवी, कई रीते एमां लॉगिन थवुं अने कई रीते विडियो कॉन्फरन्स करवी। आ एप्लिकेशन इंस्टॉल करवा माटे सौ प्रथम आपणे प्ले स्टोरमां जईशुं। प्ले स्टोर में माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ये आपने सर्च करीशू, जेमा आप जोई सको छो टी लखेलो एक सिंबल आवे छे। आ सिंबल वाळू माइक्रोसॉफ्ट टीम्स माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन नी जे एप्लिकेशन छे ते आपने इंस्टॉल करी लईशू। मित्रों आप सब जाणो छो तेथी इंस्टॉल कई रीते करवी तेना विशे वधारे समय नथी बगाड़ता। आ सिवाय इंस्टॉल करवा माटे आ वीडियोना डिस्क्रिप्शन में पण एक लिंक आपेली छे जेनाथी पण आप इंस्टॉल करी शको छो। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एप्लिकेशन इंस्टॉल थई गया पछी आपणे तेने खोलीशू। एप्लिकेशन खोलता साइन इन नुं जे बटन देखाय छे तेना पर आपणे क्लिक करीशू। मित्रों अहींया आपणा जिल्ला तरफथी आपणने जे यूजर नेम अने पासवर्ड मळेल छे, जो आप सीआरसी छो अथवा तो आचार्य छो तो आपने आपना जिल्लामांथी लॉगिन थवा माटेनुं यूजर नेम अने पासवर्ड नी एक एक्सेल फाइल मोकलावेल हशे। अहींया हुं मारुं यूजर नेम एंटर करूँ छूँ। यूजर नेम एंटर कर्या पछी साइन इन पर क्लिक करीशुं। अहींया साइन इन माटे 2-5 सेकंड जेटलो समय लागशे अने त्यारबाद आपणी पासे पासवर्ड एंटर करवा माटे पूछशे। ओके, અહીંયા હવે આપણે આપણો પાસવર્ડ એન્ટર કરવાનો છે જે આપણને જિલ્લા દ્વારા મળેલ છે। અહીંયા હું પાસવર્ડ એન્ટર કરી રહ્યો છું। પાસવર્ડ એન્ટર કર્યા પછી સાઇન ઇન પર ક્લિક કરીશું। સાઇન ઇન પર ક્લિક કર્યા પછી થોડોક સમય લેશે। અહીંયા જે સ્ક્રીન આવી છે તેમાં આપણે नेक्स्ट पर क्लिक करीशू अने पछी गॉट इट। गॉट इट पर क्लिक करता आपणी पासे आवी एक स्क्रीन जोवा मळे छे, तेमा आप जोई शको छो डाबी बाजू ऊपर त्रण जे आडी लीटीओ छे तेना पर क्लिक करता अहींया मारुं जे लॉगिन थयेलुं छे सीआरसी सापर पे सेंटर ते बतावशे। जो आप आचार्य छो तो तमारी शाळानुं नाम तमने अहीं જોવા મળશે, જેથી આપ નક્કી કરી શકશો કે આપ સારી રીતે યોગ્ય રીતે લોગિન થયેલા છો। મિત્રો એપ્લિકેશન ઇન્સ્ટોલ થઈ ગઈ છે અને લોગિન પણ થઈ ગયા છે। હવે આગળ વાત આવે છે કે ધારો કે બીઆરસી કોઓર્ડિનેટર દ્વારા કહેવામાં આવે છે કે તમારે તમારા આચાર્યનું એક ગ્રુપ બનાવવાનું છે અને તેમાં બીઆરસી કોઓર્ડિનેટર અને ડીપીઓ શ્રીને એડ કરવાના છે અને તમારા તમામ આચાર્ય સાથે બીઆરસી કોઓર્ડિનેટર અને ડીપીઓ શ્રીએ વાત કરવી છે, તો તેના માટે શું કરવું? તો મિત્રો સૌથી પહેલાં તમારે એક ગ્રુપ બનાવવું પડશે જેમાં આપના તમામ આચાર્ય શ્રી હોય, તેમજ બીઆરસી કોઓર્ડિનેટર આપ પોતે અને આપણા ડીપીઓ શ્રી હોય। એ પછી ગ્રુપ બનાવ્યા પછી તમારે એક મીટિંગ બનાવવી પડશે, મીટિંગ ક્રિએટ કરવી પડશે। એ મીટિંગ કયા ટાઈમે અને કઈ તારીખે તેનું આયોજન કરવું પડશે અને તે પછી ત્રીજી પ્રોસેસ છે કે એ મીટિંગ તમે જે આયોજન કર્યું છે તેની લિંક તમારા તમામ સભ્યો સુધી એટલે કે આચાર્ય બીઆરસી અને ડીપીઓ શ્રી સુધી મોકલવી। તો આ લિંક કઈ રીતે બનાવવી આ તમામ પ્રોસેસ હવે આપણે જોઈએ છીએ। સૌથી પહેલાં આપણે જોઈએ કે કઈ રીતે ગ્રુપ બનાવવું, તો એના માટે સૌથી પહેલાં આપણે ટીમ્સમાં જવાનું રહેશે। ટીમ્સમાં ગયા પછી અહીં ત્રણ ટપકા દેખાય છે તેના પર ક્લિક કરતા ક્રિએટ ન્યૂ ટીમ એવું આવશે, તેના પર ક્લિક કરી અને કોઈ પણ એક ટેમ્પલેટ આપણે પસંદ કરી લેવાનું છે
जेमा आपणे स्टाफ सिलेक्ट करीए। अहींया तमारी टीमनुं नाम आपवानुं छे। धारो के तमे आचार्योनी टीम बनावो छो अथवा तो आचार्य बीआरसी अने डीपीसीनी टीम बनावो छो तो ए प्रमाणे तमे नाम आपी शको। जेम के अहींया हूँ एक नाम आपूँ छूँ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल नाम आप्या पछी अहींया आपणे साचा पर टीक करीशुं जेथी आपणी प्रिंसिपल नामनी एक टीम बनी जशे। थोड़ी वार लागशे। अहीं आप जोई शको छो टीम बनी गया पछी हवे अहीं आपणे मेम्बर एड करवाना छे। तो तेना माटे जो आपने आपनी शाळानो डायस कोड याद छे तो सीधो आप डायस कोड अहीं एंटर करो। जेम के 240 80 80 अहीं मारी एक शाळानो डायस कोड हूँ एंटर करूँ छूँ 240 80 80 0401। ये ब्रह्मपुरी प्राथमिक शाळानो डायस कोड छे जेनाथी मने चोक्कस मारी शाळा ज मळशे। धारो के अहीं आप शाळाना नामथी सर्च करो छो तो ए शाळाना नामवाळी गुजरात राज्यनी बीजी जो कोई शाळा हशे तो ते भूलथी तमारा ग्रुपमां एड थई जशे। माटे खास तमारी शाळाना डायस कोडथी ज मेम्बर एड करवा माटे विनंती। तो अहींया मारी एक शाळा मैं एड करी छे। त्यारबाद बीजी शाळा माटे फरीथी हूँ डायस कोड एंटर करीश 240 80 80 39 02। आ मारी बीजी शाळानो डायस कोड छे ए पण एड करीश। एज रीते त्रीजी शाळानो डायस कोड। तो मित्रों आप जोई शको छो त्रण शाळाओ मैं एड करी छे। आ रीते आप आपनी जेटली शाळाओ छे तेटली शाळाने एड करी शको छो। त्यारबाद बीआरसी कोऑर्डिनेटर ने जो एड करवा छे तो अहीं बीआरसी स्पेस सायला सॉरी बीआरसी लखी एटले सुरेन्द्रनगर चोटीला चूड़ा तो अहीं आपणे बीआरसी सायला ने एड करवा छे। तो अहीं जोई शकीए छीए बीआरसी सायला। त्यारबाद डीपीसी लखीशुं तो अहीं डीपीसी सुरेन्द्रनगर अमदावाद तमाम जिल्लाना डीपीसी अहीं आवी जशे। तो डीपीसी आपणे सिलेक्ट करीए। तो मित्रों आ रीते बीआरसी डीपीसी सीआरसी तरीके तमे ग्रुप बनावो छो एटले ऑलरेडी तमे एड छो। अने त्यारबाद तमारे जेटला आचार्योने एड करवा छे ते तमे आ रीते एड करी अने साचानी निशानी पर क्लिक करीशुं। तो मित्रों अहींया आपणा जे मेम्बर्स छे ते अहींया आपणे जोई शकीए छीए। हवे आपणुं जे ग्रुप छे प्रिंसिपल आप जोई शको छो तैयार थई गयुं छे प्रिंसिपल ग्रुप। त्यार पछीनी बीजी प्रोसेस छे मित्रों आपणे मीटिंग फिक्स करवी छे। धारो के आजे आजे 22 तारीख छे आवती काले मारे मीटिंग बोलावी छे। तो आवती काले बपोरे 3 वागे मारे जो मीटिंग बोलावी छे तो अहीं कैलेंडर ऊपर क्लिक करीश। त्यारबाद अहीं टाइटल में हूँ कोई पण टाइटल आपी जईश जेम के अहीं प्रिंसिपल मीटिंग। अने 23 तारीखे मारे मीटिंग बोलावी छे तो हूँ अँ 23/4/2020 लखी दईश जेथी पर्टिक्युलर मीटिंग आपने ख्याल आवे। त्यारबाद एड पार्टिसिपंट में आपणे क्लिक करवानुं नथी। आपणे जे ग्रुप बनाव्युं छे ते आखे आखू ग्रुप आपणे सीधू ज एड करीशुं। तो एना माटे शेर टू अ चेनल एना पर क्लिक करीशुं अने ओके करीशुं। अहींया आपणे जे चेनलनुं पसंदगी करवानी छे अत्यारे आपणे प्रिंसिपल बनावी छे तो ए पसंद करीशुं। तेना पर क्लिक कर्या पछी जनरल पर क्लिक करीशुं जेथी अहींया चेनल एड थई गई छे। त्यारबाद ऑल डे जो तमारे दररोज 3 वागे मीटिंग बोलावी छे तो तमे ऑल डे उपर क्लिक करीशो। पण अहींया आपणे 23 तारीखे मीटिंग बोलावी छे तो 23 तारीख पसंद करीशुं अने समय बपोरे 3 वाग्यानो तो अहींया आपणे 3 PM पसंद करी अने ओके आपी दईशुं। धारो के तमारो अंदाज 1 कलाक जेटली मीटिंग चालवानो छे तो 3 થી 4 पसंद करी अने आपणे अहींया आपणो समय फिक्स करी लईशुं। आटलू कर्या पछी नीचेनी कोई विगतो आपणा माटे एटली जरूरी नथी तेथी तेना विशे चर्चा नहीं करीए अने साचा पर क्लिक करीशुं। अहींया मित्रों आपणे 2 कामगीरी पूरी करी छे। एक ग्रुप बनाव्युं अने त्यार पछी आपणी मीटिंग आपणे फिक्स करी छे। आप जोई शको छो प्रिंसिपल मीटिंग 23/4/2020 3 वाग्याथी
चार वाग्या सुधी। हवे मित्रों आप त्रीजी कामगिरी विषे हवे आपणे चर्चा करिए कि आप जे मीटिंग करवाना छो तेनी लिंक कई रीते आपणे मोकलवी। तो मित्रों अहींयाथी आप जोई शको छो कि जे लिंक आपणे बनावी छे तेना माटे सौथी पहेला अहींया मीटिंग में जईशुं। मीटिंग में जता ज आपणी पासे आपणी मीटिंगनुं बधी डिटेल बतावे छे। त्यां ऊपर त्रण टपका ऊपर आपणे क्लिक करीशुं एटले गो टू जनरल चेनल एवुं देखाशे, तेना पर क्लिक करिए। क्लिक करता आवुं एक पेज खुले छे, त्यां आपणे जे मीटिंग सेट करी छे ते आपणने बतावे छे। अहीं त्रण टपका जे देखाय छे तेना पर आपणे क्लिक करीशुं। क्लिक करता ज आपणने कॉपी लिंक एवो ऑप्शन देखाय छे, तेना पर आपणे क्लिक करता जे लिंक छे ते कॉपी थई जशे। हवे धारो कि मारे आ लिंक मारा आचार्यना ग्रुपमां मोकलवी छे अथवा तो कोई पण जग्याए मोकलवी छे, जे मेम्बर टीममां एड छे तेमने मोकलवी छे। तो अहींया हूँ ए ग्रुप खोली अने ग्रुप खोल्या पछी अहीं क्लिक करी राखीश, तेनाथी पेस्ट ऑप्शन आवशे अने ए लिंक हूँ अहींया पेस्ट करीश अने सेंड करीश। तो मित्रों तमाम जे मेम्बर छे जेमने तमने ग्रुपमां एड कर्या छे तेमने आ रीते आप लिंक मोकली शको छो। आ लिंक पर क्लिक कर्या पछी तरत ज जॉइननुं एक बटन देखाशे अने जेव जॉइन पर क्लिक करशे एवी तेमनी विडियो कॉन्फरन्स चालू थई जशे। मित्रों बीजी पण एक रीत छे जॉइन थवा माटेनी कि जे मित्रो एड छे एने जो आप फोनथी जणावी शको तो ए मित्रोना कैलेंडरमां पण प्रिंसिपल मीटिंग 23/4/2020 नामनुं एक એલર્ટ નોટિફિકેશન બતાવશે અને બાજુમાં આવું જ જોઈન બટન હશે, એના પર જો એ 3 વાગે ક્લિક કરશે તો તેનાથી પણ એ મીટિંગમાં સીધા જ જોઈન થઈ શકે છે। તો મિત્રો ચોક્કસ આજે મેં જે માહિતી આપી એ આપ સૌને ખ્યાલ આવી ગયો હશે। આજે જ ડીપીઓ શ્રી સાથે એક સરસ મજાની વિડીયો કોન્ફરન્સ કરી અને ખૂબ જ સારું એવું માર્ગદર્શન મળ્યું। તો આપ સૌ મિત્રો પણ આ વિડીયોની મદદથી આપના તમામ આચાર્યશ્રીઓ અને CRC મિત્રોને પહોંચાડીને આ પ્રમાણે એપ્લિકેશન ઇન્સ્ટોલ કરવાનું તેમજ લોગિન થવાનું અને ગ્રુપ વિડીયો કોલિંગ વિશેની તમામ માહિતી આપ તેમના સુધી પહોંચાડી શકો છો। થેન્ક યુ।